बिहार की राजनीति में ऊंट अभी किस करवट बैठेगा, ये सवाल सियासत के गलियारे में अभी सबसे ऊपर है। आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो लालू ने अपने लोगों को अलर्ट पर रखा है और बहुमत जुटाने में लगे हैं। लालू तेजस्वी की नज़र इस समय नीतीश कुमार के हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर है। वहीं भाजपा के नेता और कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे स्थायी रूप से बंद नहीं होते। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार होता है और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। तो दरवाज़ा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसके लिए उनके फैसले और वो खुद जिम्मेदार हैं। जेडीयू और उसके नेताओं की करतूतों के कारण विपक्ष के लिए नई उम्मीद बना INDI खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से, जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं।